हमीरपुर नगर परिषद के चुनावों के लिए उम्मीदवारों ने डोर टू डोर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रचार अभियान के दौरान हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील कुमार डोर टू डोर जाकर प्रचार में डटे हुए हैं। प्रत्याशी डॉक्टर सुशील कुमार ने अपने वार्ड के विकास के लिए पहले से ही खाका तैयार किया है, जिसके तहत वार्ड के विकास के लिए काम किया जाएगा। साथ ही वार्ड में कई घरों से बिजली की लाइनें छतों से होकर गुजरती हैं, जिससे हर वक्त दुर्घटना का अंदेशा बना रहा है। इस समस्या को करने के लिए वार्ड में प्राथमिकता के तौर पर काम किया जाएगा। प्रत्याशी सुशील कुमार ने कहा कि वार्ड में कूड़े की समस्या को दूर करने के लिए काम किया जाएगा, तो सड़क की मरम्मत कार्य को पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। इसके साथ ही वार्ड में सीवरेज समस्या का काम पूरा नहीं हो सका है, जिसके लिए प्राथमिकता के तौर पर काम किया जाएगा। वार्ड में नालियों की व्यवस्था भी ठीक से नहीं है, इसके लिए भी काम करवाया जाएगा। मैं डॉक्टर सुशील, प्रत्याशी वार्ड नंबर 10 से, और आज हम कैंपेनिंग में पहुंचे हैं वार्ड नंबर 10 के, जहां से शुरुआत है ठाकुर नरसिंह से, थोड़े नीचे से शुरू हमने शुरू किया है। तो हमने यहां पे सबसे बात की है कि उनकी कौन सी समस्याएं हैं जो मैं उनकी सॉल्व करने में हेल्प कर सकता हूं। तो उन्हें एक समस्या बताई है कि जो कूड़ा घर से कलेक्ट करते हैं, तो घर से तो कूड़ा उठा लेते हैं, अगर कोई लिफाफा या कूड़ा कोई घर के बाहर रख के चला गया है, जैसे कोई लोग सुबह सुबह जॉब पे जल्दी चले जाते हैं, अपनी शॉप्स में जल्दी चले जाते हैं, उनका कूड़ा पूरा का पूरा दिन वहीं पड़ा रहता है, और उसको भी वहाँ से उठाने के लिए उनको गाइड किया जाए। दूसरा, रोड की टाइल्स की बात है, कुछ रोड की रिपेयर हुई है और दोबारा से टाइल दोबारा फिर से नहीं लगाई गई हैं। तीसरा, स्ट्रीट लाइट का है, यहाँ पर जनता का कहना है कि स्ट्रीट लाइट जो है एक दिन आती है और 3 दिन बंद रहती है, और प्रॉपर तरीके से जो स्ट्रीट लाइट है उसको जलाना चाहिए। एक सीवरेज की समस्या है, कुछ घरों में सीवरेज कनेक्शन जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। और एक है ड्रेनेज का, कि जो यहाँ पानी है उसकी कोई भी ड्रेनेज नहीं है, वो खुले में बह रहा है और किसी के घर के आगे खड़ा हो रहा है और किसी के खेत में सारा पानी जाके इकट्ठा हो गया है। कुछ जगह नालियाँ बनी हुई हैं, लेकिन वो भी जो एंड पॉइंट है वहाँ पर कोई भी उस पर बहाव का इंतजाम नहीं है और किसी ड्रेनेज में वो नहीं जुड़ रहा है, और लोगों के खेत में वो पानी सारा इकट्ठा हो रहा है, जिससे गंदगी फैल रही है और जो पानी इकट्ठा होने से वहाँ पे हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कुछ पैच है रोड का जो बन ही नहीं पा रहा है, जो ठाकुर नरसिंह होम से थोड़ा सा नीचे एक पैच है सड़क का, वो काफ़ी समय से बन नहीं पा रहा है। तो हमने ये जो फिलहाल जो समस्याएँ नोट की हैं वो यही हैं। तो ये जो लोगों ने समस्याएँ मुझे बताई हैं, मैं जनता से वादा करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी पार्षद बनते ही इस समस्या का समाधान प्रायोरिटी बेस पे करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। धन्यवाद। एक मेन लाइन है बिजली की जो कि इंसुलेटेड नहीं है और बहुत सारे घरों से लगती हुई निकल रही है, तो लोगों को अपने घर में छत पे जाने से भी डर लगता है। तो अगर मैं पार्षद चुना जाता हूँ तो मेरा प्रायोरिटी बेस पे ये होगा कि इस पाइप जो वायर है इसको इंसुलेटेड किया जाए और केबल डालकर इसको घर से थोड़ी दूर से निकाला जाए।